साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पीटी 365 जो आर्ट एंड कल्चर के लिए निकाला गया है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो यह सुर्खियों में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमृतसर में पट्टिका का अनावरण करके जलियांवाला बाग स्मारक का नवीकृत परिसर जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया था। साथ ही संग्रहालय या चित्र दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। इससे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो जलियांवाला बाग स्मारक 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार शोक स्मरणार्थ निर्मित किया गया है। ठीक है, इस स्मारक को जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में इसमें 2019 में संशोधन किया गया है। इससे यह संसद के एक अधिनियम द्वारा शासित देश का प्रथम राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये देश का प्रथम राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। यदि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो यहाँ हुआ नरसंहार तत्कालिक संदर्भों से अलग हटकर अकस्मात रूप से घट जाने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसकी पृष्ठभूमि में कई कारक कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं घटनाएँ जो नरसंहार का कारण बनी थी। पहला, रोलेट एक्ट को स्वीकृति और रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ। देखिए, रॉलेट एक्ट या इसे काला कानून भी कहते हैं, ने सरकार को राजद्रोही गतिविधियों से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई कारावासित करने या बंदी बनाने का अधिकार दे दिया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया तथा अंग्रेजों ने उनके पंजाब में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। इसके बाद क्या होता है, दूसरा, अमृतसर में नेताओं की गिरफ्तारी और पंजाब में अशांति। देखिए, दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों ने गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक टकराव हुआ। इसमें रेलवे लाइन, टेलीग्राफ पोस्ट और सरकारी इमारतों को नष्ट किया गया तथा कई यूरोपीय एवं भारतीयों की मृत्यु हो गई। तीसरा, पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया। पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया गया तथा सभा करने की स्वतंत्रता के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 4 से अधिक लोगों के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद कौन सी घटना होती है, जलियांवाला बाग में लोगों का एकत्रित होना। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार को मनाने के लिए और दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लगभग 10,000 लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गई थी। और यहाँ पर नरसंहार होता है कैसे, ब्रिगेडियर जनरल डायर जो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में तैनात था ने एकमात्र निकास द्वार को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को फायरिंग करने के आदेश दे दिए। 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग जारी रही और गोली समाप्त होने के उपरांत ही जब गोली समाप्त होगी तभी फायरिंग रुकी। जनरल डायर और मिस्टर इरविन द्वारा मारे गए कुल लोगों की संख्या 291 वर्णित की गई है, जबकि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली समिति सहित अन्य रिपोर्ट में मारे गए लोगों की संख्या 500 से अधिक वर्णित की गई है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नरसंहार के उपरांत क्या होता है। तो जलियांवाला बाग की खबर संपूर्ण देश में फैल गई। इसके विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए जिनका सरकार ने क्रूर दमन करने का हर संभव प्रयास किया। इस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने रॉलेट विरोधी सत्याग्रह को वापस ले लिया। ठीक है, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, जो जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 1919 में नरसंहार के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए अव्यवस्था जांच समिति डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया। वर्ष 1920 में आयोग ने जनरल डायर की उसके कार्यों के लिए निंदा की। उसे अपने ब्रिगेड कमांडर के पद से त्यागपत्र देने का निर्देश दिया गया और उसे सूचित किया गया कि उसे अब भारत में कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। वर्ष 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने नरसंहार के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर का वध कर दिया। उसने डायर की कार्रवाई को अनुमोदन दिया था, क्योंकि ये जो माइकल ओ डायर थे, देखिए दोनों डायर में कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक तो वहाँ पर ब्रिगेडियर था, दूसरा जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था उसी ने ही कार्रवाई का अनुमोदन दिया था, तो इसे उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया और गोलाबारी के उपरांत पंजाब में मार्शल लॉ लगाया था इस माइकल ओ डायर ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, तो जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि खबर जो है बाहर ना जा सके।
तो इन्हीं सब कारणों से उधम सिंह ने इसको मारा था। आगे चलते हैं। देखिए, इस घटना से लगे आघात और उत्पन्न हुए आक्रोश के कारण वर्ष 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन जो है वो अस्तित्व में आया। यह आंदोलन 25 वर्ष उपरांत भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने की दिशा में एक कदम सिद्ध होता है। आगे बात करते हैं मालाबार या मोपला विद्रोह के बारे में, तो सुर्खियों में क्यों है। देखिए, मालाबार विद्रोह के नेता वरियम कुन्नत कुंजाहमद हाजी और इसके अतिरिक्त अली मुसलियार और 387 अन्य मोपला शहीदों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटाया जाएगा। इससे संबंधित फैक्टों की बात करें तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा प्रकाशित शब्दकोश के 5वें खंड में प्रविष्टियों की समीक्षा करने वाले 3 सदस्यीय पैनल ने इन्हें हटाने की अनुशंसा की है। पैनल का मानना है कि 1921 का विद्रोह कभी भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक कट्टरपंथी आंदोलन था। इसने निष्कर्ष निकाला कि हाजी एक उपद्रवी थे जिन्होंने सरिया अदालत की स्थापना की। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मोपला शहीदों जो विचाराधीन कैदी थे कि हैजा जैसी बीमारियों कारण और प्राकृतिक कारण से मृत्यु थी, इसलिए उन्हें शहीद नहीं माना जा सकता है। देखिए, मालाबार विद्रोह के बारे में बात करें तो मालाबार विद्रोह को मोपला उपद्रव के रूप में भी जाना जाता है। यह 1921 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम काश्तकारों का सशस्त्र विद्रोह था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रिटिश शासकों और स्थानीय जो जमींदार थे वो हिंदू थे और जो काश्तकार थे यहाँ पर वो मुस्लिम थे। इसे प्रायः दक्षिण भारत में प्रथम राष्ट्रवादी विद्रोहों में से एक माना जाता है और प्रायः किसान विद्रोह के रूप में वर्णन भी किया जाता है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत या असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में होता है के व्यापक दायरे में हुआ था। अब देखिए, ये जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह के पहले कारणों की बात करें तो देखिए, मालाबार क्षेत्र में सामंती संघर्षों का इतिहास रहा है। इस क्षेत्र में कृषक जमींदारों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण थे। वास्तव में 1836 ईस्वी से 1919 ईस्वी के मध्य मोपलाओं द्वारा उच्च जात के हिंदू जमींदारों, उनके संबंधियों, सहायकों तथा ब्रिटिश पदाधिकारियों के विरुद्ध लगभग 32 विद्रोह संचालित किए गए थे। दूसरा कारण, कृषकों में असंतोष। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप कर में वृद्धि, असुरक्षित काश्तकारी, अतिशय लगान, बलपूर्वक निष्कासन इत्यादि में वृद्धि हुई। इनके कारण मोपला काश्तकारों की आर्थिक स्थिति समय के साथ अत्यधिक जो है ह्रासमान होती गई। इससे ब्रिटिश विरोधी और सामंत विरोधी भावनाएं जो है वो भड़क गई। आगे देखते हैं, अगला था मोपलाओं का राजनीतिक लामबंदी। कांग्रेस ने मोपला कृषकों के साथ संपर्क किया और उन्हें खिलाफत आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। साथ ही मालाबार क्षेत्र में कृषि सुधारों का समर्थन किया। जून 1920 में मालाबार क्षेत्र में खिलाफत समिति का गठन किया गया जो इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय हो गई थी। अगस्त 1920 को गांधी जी और शौकत अली ये भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ने कालीकट का दौरा किया ताकि मालाबार के निवासियों के मध्य असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन का संयुक्त संदेश प्रचारित किया जा सके। जनवरी 1921 में मोपलाओं ने अपने धार्मिक नेता महदुम तंगल के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को समर्थन देने का संकल्प किया। वहीं तात्कालिक कारण भी थे। तो अगस्त 1921 में खिलाफत नेता अली मुसलियार की गिरफ्तारी और तिरुरंगाड़ी में एक मस्जिद में छापा मारे जाने की अफवाह फैलने के उपरांत मोपलाओं ने बरियम कुन्नत कुंजाहमद हाजी के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। तो ये हिंसात्मक विद्रोह था, अहिंसात्मक नहीं था। अब विद्रोह का मार्ग कैसा था, उस मार्ग की बात करें तो इसने मुख्य रूप से जेमिनियों, पुलिस और सैनिकों पर गुरिल्ला प्रकार के हमलों का रूप धारण कर लिया था। औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों जैसे कि टेलीग्राफ लाइनों, रेलवे स्टेशन, न्यायालयों, डाकघरों आदि और जमींदारों के घरों पर हमले किए गए थे। ठीक है, जब यह विद्रोह मालाबार जिले में फैल गया तो ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय पुलिस वहां से पलायन कर गए तथा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय विद्रोहियों के नियंत्रण में छोड़ गए थे। यह क्षेत्र अगस्त 1921 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था जिसका शासक हाजी था, मतलब वरियम कुन्नत कुंजाहमद हाजी था। लगभग 6 महीने तक उसने समानांतर खिलाफत शासन चलाया जिसका मुख्यालय नीलांबुर में था, यहाँ तक कि इसका अपना पृथक पासपोर्ट, मुद्रा और कराधान की प्रणालियाँ भी थीं। काश्तकारों को कर प्रोत्साहनों के साथ साथ उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर उन्हें अधिकार प्रदान किया गया था।
हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, परंतु इसने सांप्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था, जिसकी चरम परिणति जो होती है वो सांप्रदायिक हिंसा के रूप में हुई थी। आगे बात करते हैं पाइका विद्रोह के बारे में, तो सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि पाइका विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है। इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो ओडिशा सरकार वर्ष 2017 में सत्रह से केंद्र सरकार से पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में घोषित करने का आग्रह कर रही है। वर्तमान में सन 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और ये आपका 1917 में हुआ था पाइका विद्रोह। सांस्कृतिक मंत्रालय ने सूचित किया कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री ने पाइका विद्रोह पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया था। पाइका विद्रोह की बात करें तो 1857 से 1825 के मध्य में होता है। पाइका विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था, मतलब हिंसात्मक विद्रोह था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ओडिशा में होता है। यह प्रथम सिपाही विद्रोह से लगभग, जो 1857 का प्रथम सिपाही विद्रोह होता है उससे लगभग 40 वर्ष पूर्व घटित हुआ था, 1817 से 1825। पाइका ओडिशा के गजपति शासकों के पारंपरिक भूस्वामी लड़ाके थे। जो पाइका थे ये ओडिशा के गजपति शासकों के पारंपरिक भूस्वामी लड़ाके थे, जो राजा को सैन्य सेवाएँ देते थे। पाइका समुदाय के पास लगान मुक्त भूमि थी, जो उन्हें खुर्दा राज्य में उनकी सैन्य सेवाओं के लिए प्रदान की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1803 में खुर्दा के राजा मुकुंद देव को सत्ता से हटाने के पश्चात अंग्रेजों ने स्वयं को ओडिशा में स्थापित कर लिया था। गजपति राजा की लड़ाका सेना ने वंशानुगत प्रमुख बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइका आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों का समर्थन प्राप्त कर एकजुट हुए। देखिए उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया तथा खुर्दा की ओर अपने कूच के दौरान उन्होंने पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक कार्यालयों और सरकारी खजानों को आग लगा दी, जहां से अंग्रेजों को भागना पड़ा। उन्हें जमींदारों, ग्राम प्रधानों और आम किसानों का समर्थन प्राप्त था। पाइका विद्रोह पूरे राज्य में जंगल की आग तरह फैल गई। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों और पाइका बलों के बीच कई टकराव और मुठभेड़ें हुईं। विद्रोह को अंततः ब्रिटिश सेना के द्वारा दबा दिया गया था। तो ये 1817 से 1825 है। आगे चलते हैं इसमें, विद्याधर को, जो इसके नेता थे विद्याधर, ये बख्शी जगबंधु विद्याधर, तो देखिए विद्याधर को वर्ष 1825 में जेल में डाल दिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। पाइका विद्रोह के पहले कारणों को बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार देख लीजिए पाइका विद्रोह के जो कारण थे। पहला तो देखिए अंग्रेजों द्वारा नवीन भू राजस्व व्यवस्था, दूसरा अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, जैसे कि खुर्दा के राजा को सत्ता से हटाना, किसानों एवं काश्तकारों को शोषण आदि, वहीं नई मुद्रा प्रणाली को अपनाया जाना भी एक कारण था। अंग्रेजों ने कौड़ी के स्थान पर रुपए का प्रचलन किया कि इसके परिणामस्वरूप स्थानीय महाजनों और ग्रामीणों का शोषण किया जाने लगा। और वहीं एक अन्य जो कारण था, अंग्रेजों की नमक नीति ने जमींदारों और स्थानीय लोगों को नमक बनाने के उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। चूँकि आप उड़ीसा को देखेंगे तो ये कोस्टल स्टेट रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पाइका विद्रोह के परिणाम क्या हुए। प्रशासनिक परिवर्तन होता है। उड़ीसा के लोगों, जिन्हें जो उड़िया कहलाते हैं, को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया और उन्हें जिम्मेदार कार्य सौंपे गए। इसके अतिरिक्त लोगों द्वारा सुगम खरीद के लिए नमक की कीमतों में कमी की गई और अधिक नमक उपलब्ध कराया गया। तीसरा, स्थानीय जमींदारों के राजस्व बोझ में कमी आई और कई मामलों में सरकार ने बकायेदारों की संपत्ति खरीदी और उन्हें मूल मालिकों को लौटा दिया। पाइकाओं को राजा की लड़ाका सेना का पेशा छोड़ने और आजीविका कमाने के साधन के रूप में खेती व अन्य कार्यों को अपनाने के लिए मजबूर किया गया तथा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन राजा मुकुंद देव द्वितीय के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को सौंप दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, जो कुछ सुर्खियों में रही चीज़ें उनको देखते हैं। तो इसमें है पहले सारागढ़ी का युद्ध। तो सारागढ़ी के युद्ध की बात करें तो 12 सितंबर को सारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ थी। यह युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना के सिख सैनिकों और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून ओरकजई आदिवासियों के बीच लड़ा गया था। 21 सैनिकों को 8000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई आदिवासियों के विरुद्ध तैनात किया गया था, परंतु उन्होंने
मृत्यु का सामना करते हुए साहसपूर्वक युद्ध किया था। तो इसमें जो सिख सैनिक थे वो ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे। सारागढ़ी उत्तर पश्चिमी सीमा, सारागढ़ी जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सुलेमान रेंज में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, जिसे फोर्ट कैवनगरी भी कहा जाता है, के मध्य एक संचार रिले पोस्ट था। आगे बात करते हैं 1839 ईस्वी का ताई खंपति विद्रोह। ठीक है, तो देखिए 1839 ईस्वी में ताई खामती या खंपति लोगों ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप 80 सैनिक जो हैं वो 80 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। ताई खंपति के बारे में बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ताई खंपति ये नामसाई जिले में अधिवासित हैं। खंपति शब्द का अर्थ होता है सोने से भरी हुई भूमि। ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ये थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उनकी अपनी लिपि है जिसे ताई लिपि या लिक ताई कहते हैं। खंपति नृत्य को का पुंग का मतलब होता है नृत्य और पुंग का मतलब कहानी। तो खंपति नृत्य को का पुंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इन जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन घटनाक्रमों को इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।